हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश प्रधान फ्रॉम लैबव्यू प्रोग्रामिंग। अभी मैं आप लोगों को एक स्टेप रेस्पॉन्स का फंक्शन प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, स्टेप रेस्पॉन्स यूज करके कंट्रोल सिस्टम एंड सिमुलेशन में, कि हम कंट्रोल सिस्टम में कैसे एक स्टेप रेस्पॉन्स प्लॉट करेंगे। ओके, तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहले अपना लैबव्यू ऑन करता हूँ। ये मेरा फ्रंट पैनल और ये मेरा ब्लॉक डायग्राम। कम टू द ब्लॉक डायग्राम एंड राइट क्लिक। ब्लॉक डायग्राम में राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम और सिमुलेशन दिख रहा है। कंट्रोल सिस्टम और सिमुलेशन पे मैं कंट्रोल डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। कंट्रोल डिजाइन पे मैं क्लिक करने के बाद मैं इसे पिन इन कर लेता हूँ, ओके, ताकि मुझे इजिली चीज़ों को ड्रैग और ड्रॉप करने में हेल्प हो। सो नाउ मैं इसे पिन इन करता हूँ, उसके बाद एक ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट करूंगा और उस ट्रांसफर फंक्शन को ड्रॉ करूंगा। ट्रांसफर फंक्शन मैंने क्रिएट किया और उस ट्रांसफर फंक्शन को मैं ड्रॉ करूंगा। ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट करने के लिए और ट्रांसफर फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए मैंने कौन कौन सा फंक्शन यूज किया है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ओके, नाउ विजिबल आइटम लेबल कंट्रोल ए एंड कंट्रोल यू। सीडी ट्रांसफर फंक्शन, कंस्ट्रक्ट सीडी ट्रांसफर फंक्शन का यूज किया है मैंने ट्रांसफर फंक्शन मॉड्यूल, एंड यहां से मैंने लिया है सीडी ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन इक्वेशन। ओके, नाउ अब मैं इसके लिए कंट्रोल क्रिएट करता हूं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। ओके, एक न्यूमिनेटर मैं क्रिएट करूंगा, एक डिनोमिनेटर मैं क्रिएट करूंगा। क्रिएट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके नाउ, ओके इट्स गुड। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज, मैं इस पे एक वैल्यू देता हूं 16, 4 and 2, राइट, 16, 4 and 2। अब मैं इसका एक ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन प्लॉट करता हूं। सबसे पहले अब मैं इस ट्रांसफर फंक्शन का जो इक्वेशन प्लॉट करूंगा यूजिंग, तो राइट क्लिक, ये मेरे ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन प्लॉट हो गया। अब मैं इस ट्रांसफर फंक्शन के इक्वेशन से यहां पर राइट क्लिक करता हूं और यहां पर अब मैं अगेन मेरे कंट्रोल डिजाइन प्लेटफॉर्म में आता हूं। कंट्रोल डिजाइन प्लेटफॉर्म में आने के बाद मैं क्या करता हूं, टाइम रेस्पॉन्स में आता हूं। मैं टाइम रेस्पॉन्स से स्टेप रेस्पॉन्स लेता हूं, स्टेप रेस्पॉन्स को मैं प्लॉट करता हूं। स्टेप रेस्पॉन्स को प्लॉट करने के बाद मैं इसे क्या करता हूं, ट्रांसफर फंक्शन चेंज करता हूं। स्टेप रेस्पॉन्स को प्लॉट करने के बाद मैं ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट करता हूं और ट्रांसफर फंक्शन को प्लॉट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, नाउ ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट करने के बाद अब मैं इस चीज इसे कनेक्ट करता हूं इसके साथ एंड राइट क्लिक, क्रिएट इंडिकेटर। ओके, तो ये इंडिकेटर क्रिएट करता है यहां पर एंड कंट्रोल प्रेस आर, तो ये इस सिग्नल का ट्रांसफर फंक्शन प्लॉट किया हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन का स्टेट रेस्पॉन्स प्लॉट किया है किसने, दिस वन ने, सीडी स्टेप रेस्पॉन्स फंक्शन ने मेरे लिए ये प्लॉट किया हुआ है। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल यू, इन्हें अच्छे से देखने के लिए, राइट ये है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं, अगर मैं इसे 41 करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहां पर 41 देता हूं तो फिर भी ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, तो जिस प्रकार से मेरा ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट होगा मेरे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार से मेरा क्या होगा, स्टेट रिस्पॉन्स वैल्यू भी ग्राफ भी चेंज होगा। ओके, नाउ कंट्रोल आर, राइट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।